नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सारस्वत आपका अपने YouTube चैनल सारस्वत स्टैनो टाइपिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है क्रोमोसोम गुणसूत्र। ठीक है, अब दोस्तों आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये राजस्थान कर्मचारी जो चयन बोर्ड है उसकी स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2024 का और साइंस जो सिलेबस है उसका ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, अच्छा विचित्र बात चल रही है कि बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने ये बोला है कि जो सिलेबस से बाहर भी चीजें आ सकती हैं, तो इस चीज को अगर ये चीज अगर हो रही है तो ये कोर्ट में चैलेंज वाली चीज होगी। और अगर इस तरह की कोई भी चीज हो रही है तो कोर्ट में चैलेंज होना आवश्यक है इस चीज को, क्योंकि सिलेबस के अंदर से ही देना आपकी प्राथमिकता, एक बोर्ड अध्यक्ष के नाते एक बोर्ड की प्राथमिकता होनी चाहिए कि वो आपको सिलेबस में से ही दे। ठीक है, और हम लोग अभी तक जो पैटर्न ले रहे हैं वो सिलेबस पे ले रहे हैं। और साथ ही मेरी ये कोशिश रहेगी कि अगर ये सिलेबस से बाहर की प्राथमिकताएं अगर बोर्ड देगा तो हम बोर्ड के खिलाफ भी जाएंगे और आप लोगों के मुद्दे जरूर उठाएंगे, जनहित में उठाएंगे। तो देखना ये होगा कि आगे क्या स्टेप्स जो है वो बोर्ड के द्वारा लिए जाते हैं, और अगर बोर्ड के द्वारा इस तरह की कोई चीज को कंटिन्यू रखा जाता है तो फिर सारस्वत स्टेनो क्लासेस की ओर से इस चीज के लिए हम लोग कोर्ट भी जाएंगे और सड़कों पे उतरना हुआ तो वो भी उतरेंगे। ठीक है, तो आइए अब अपने सिलेबस के ऊपर आते हैं। और पहली चीज गुणसूत्र क्रोमोसोम, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम की पहली बात तो ये कि क्रोमोसोम की जो खोज है उसके बारे में हम, तो गुणसूत्र नाभिक में मौजूद धागे जैसी संरचना होती है। क्या होती है गुणसूत्र? ये एक कोशिका, कोशिका के अंदर जब अपन देखेंगे तो ये जो धागे जैसी संरचना आपको दोस्तों देखने को मिल रही है, ये धागे जैसी संरचना ही क्या है, गुणसूत्र है जो नाभिक में मिलेगी। वे महत्वपूर्ण है क्योंकि उनमें मूल आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए। क्या होता है? मूल आनुवांशिक पदार्थ होगा डीएनए, और ये डीएनए किस पे होगा? आपकी नाभिक में गुणसूत्र के अंदर। ये पौधों के नाभिक के साथ साथ पशु कोशिकाओं के अंदर, पौधों में नाभिक में और कोशिक पशुओं के अंदर या जीवों के अंदर, कोशिकाओं के अंदर ये पाया जाता है के अंदर मौजूद होता है। गुणसूत्रों की खोज सबसे पहले कब हुई? 1815 के अंदर, और किसके द्वारा? स्टेस स्ट्रेस बर्गर, और इसको स्ट्रास बर्गर भी कई लोग कहते हैं, तो स्ट्रास बर्गर ने की थी। और गुणसूत्र शब्द का जो पहली बार इस्तेमाल हुआ वो 1888 और 1887 भी कई जगह पे आता है, तो यहां पर वाइडेयर ने किया। तो गुणसूत्र का जो शब्द का यूज है उसकी अगर बात करेंगे तो 1888 में वाइडेयर, और अगर बात करेंगे कि इसकी खोज किसने की तो 1815 में स्ट्रासबर्गर के द्वारा इसकी खोज जो है वो की गई। गुणसूत्र की परिभाषा के ऊपर अब अपन चल रहे हैं। तो गुणसूत्र एक धागे की तरह दिखता है और प्रोटीन से बना कुंडलित पदार्थ है जो हम यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, गुणसूत्र सभी कोशिकाओं के नाभिक में मौजूद होता है, कोशिकाओं के नाभिक में मतलब सेंटर में मौजूद होगा, और उनमें मूल आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होगा जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर होता है। ठीक है, सटन और बोवेरी ने बताया था कि गुणसूत्रों के द्वारा आनुवांशिक लक्षणों का परागमन होता है। ठीक है, किसके द्वारा? गुणसूत्रों के द्वारा ही आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं उसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो जाता है। ठीक है, यहां पर देखते हैं गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम नंबर, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किसी एक जाति के सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या एक सी होती है, किंतु विभिन्न जातियों के जीवों में इसकी संरचना अलग अलग होती है। मतलब क्या बात हो रही है? इंसानों की अगर मैं बात करूंगा तो सबकी जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो समान होगी, लेकिन जानवरों की जब मैं बात करूंगा, जैसे बिल्लियों में सबकी समान रहेगी, कुत्तों में सबकी समान रहेगी, गधों में सबकी समान रहेगी, तो एक ही जाति के जो जीव जंतु हैं उनकी तो एक रहेगी, लेकिन अलग अलग बिरादरी के या विभिन्न जातियों के जीवों में गुणसूत्रों की संख्या अलग होगी। ठीक है, तो देही कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होगी द्विगुणित, और युग्मक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होगी अगुणित
होती है। यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन में आए हुए गुणसूत्र हैं वो देख लेते हैं कि यहां पर देखिए मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या अगर पूछी जाती है तो 6, मक्खी में 12, मधुमक्खी में 32, बिल्ली में 36, मनुष्य में 46, गाय में 60 और कुत्ते में 78 गुणसूत्रों की संख्या पाई जाएगी। जबकि पेड़ पौधों की अगर हम बात करेंगे उनके नाभिक में जो जो क्रोमोसोम होंगे वो प्याज में 16, तो फूल गोभी मूली और पपीते में 18 और चावल मूंगफली और गन्ने में क्रमशः 24, 40 और 80 जो गुणसूत्रों की संख्या होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट गुणसूत्र हैं, बाकी सभी चीजों में गुणसूत्र पाए जाएंगे लेकिन हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से है उन चीजों को यहाँ पर रखा है। साथ ही दोस्तों सारस्वत स्टेनो क्लासेस के द्वारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो है वो हम लोग लेकर आ चुके हैं, तो आप अपनी स्टडी को करने के लिए फॉर्मेट में स्टडी को करने के लिए सारस्वत स्टेनो ऐप डाल सकते हैं जहां पर आपको वीडियोस भी मिलते हैं और साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के वन लाइनर नोट्स भी यहां पर उपलब्ध हैं। अगर आप यूज करते हैं आईफोन तो यहां पर आपको क्लास प्लस की ऐप डाउनलोड करनी है, YDIAJZ आपको कोड डालना होगा और सारस्वत स्टेनो क्लासेस की एप्लीकेशन है वो वहां पर मिल जाएगी और वहां से दोस्तों आप कोई भी कोर्स जो है वो वहां से लेकर पढ़ सकते हैं जिसमें आपकी साइंस, इंग्लिश और हिंदी। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने आपको हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज पे आपको वहां पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। करंट जीके हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे साइंस हो, आपके फर्स्ट पेपर फेज वन का फर्स्ट पेपर की जो प्रिपरेशन है वो यहां पर आपको कंप्लीट मिलेगी। राजस्थान जीके हिंदी इंग्लिश में, साइंस हिंदी इंग्लिश में, करंट जी के हिंदी इंग्लिश में और आपकी इंडियन ज्योग्राफी भी हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज पे आपको यहां पर मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुणसूत्रों की संरचना की बात करते हैं। तो यहां पर आप ये देख रहे हैं ये गुणसूत्र की मध्यावस्थता की पार्ट है। जब ये गुणसूत्र का पूरा प्रारूप जो है वो दिखाई पड़ता है और उस समय के इस चित्र के आधार पर हम इसको समझेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम क्या है। तो सबसे पहले क्रोमोनिमेटा, क्रोमोनिमेटा क्या चीज है, यहां पर आप इसको देख पा रहे हैं। क्रोमोनिमेटा मतलब ये कि प्रत्येक गुणसूत्र दो ऐठे हुए सूत्रों का बना होता है। तो दो ऐठे हुए सूत्र देखिए, एक ये वाला चल रहा है और एक जैसे कि ये वाला चल रहा है, तो ये दो ऐठे हुए सूत्रों का बना होता है, इन सूत्रों को ही क्रोमोनिमेटा कहते हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर हुई अपनी, आगे बढ़ते हैं। बाद में यही सूत्र गुणसूत्र के दो अर्ध सूत्र या क्रोमेडीट बनाता है, ठीक है। आगे जाके जो फाइनल हम लुक देखते हैं वही इसी के थ्रू आगे वो जो क्रोमेडीट होता है वो यहां से बनता है। क्रोमोनिमेटा के चारों ओर मैट्रिक्स होता है। अब देखिए ये जो आप लाइंस देख रहे हैं इसके चारों ओर मतलब ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, जैसे ये जिससे भरा हुआ है, फिलअप हो रखा है, ये वाली चीज क्या कहलाएगी दोस्तों, मैट्रिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रेड वाली चीज जो भी आपका ये व्हाइट वाला पार्ट आप यहां पर देख पा रहे हैं ये क्या कहलाएगी दोस्तों, मैट्रिक्स कहलाएगी। आप समझ गए होंगे मैं क्या चीज आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। आगे देखते हैं, और जिसके चारों ओर एक महीन झिल्ली पेलिकल होती है, और यहां पर आप जो ये एक महीन झिल्ली जो आप देख पा रहे हैं ये ओवरऑल झिल्ली, ये क्या कहलाएगी दोस्तों, ये पेलिकल झिल्ली कहलाती है, जो कि किसके, मैट्रिक्स के चारों ओर फैली होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गुणसूत्रों की संरचना के अंदर ही क्रोमोमियर्स, क्रोमोमियर्स क्या चीज है अब उस पर अपन देखते हैं। क्रोमोमियर जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, इट्स अ क्रोमोमियर। तो देखिए क्रोमोनिमेटा पर समान दूरी पर कणों जैसी उभरी हुई रचनाएं होती है, इनको ही क्रोमोमियर कहते हैं। अब समझिए यहां पर जो अपन लेयर्स देख रहे थे, इन लेयर्स पे देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पे ये कुछ बिंदियां बनी हुई है, राइट। तो ये जो गोले गोले से ये बिंदियां जो बनी हुई है इसके ऊपर, यही क्या कहलाती है, क्रोमोमियर कहलाती है। और क्रोमोमियर जो होती है वो जीन की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, तो इसके ऊपर क्या होते हैं, जीन होते हैं, उनकी स्थिति जो है वो इसी से निर्भर करती है। तो ये आपका हुआ क्रोमोमियर्स। क्रोमोमियर्स के बाद में हम बात करेंगे प्राथमिक संकीर्णन तथा सेंट्रोमियर, ठीक है।
सेंट्रोमियर क्या चीज हो गई, प्राथमिक संकीर्णन अथवा सेंट्रोमियर। अब देखिए प्राथमिक संकीर्णन को पहले समझेंगे कि गुणसूत्र में एक संकीर्णन भाग दिखाई देता है, इसे प्राथमिक संकीर्णन या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो यहां पे ये खत्म हो रहा है और इसके बाद ये दो लेयर आ रही है और ये दो लेयर आगे की तरफ जा रही है, ये एक बीच में एक बहुत पतीली गलियारा सा ये बन गया है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। और सेंट्रोमियर क्या होता है वो भी समझने की बात है। सेंट्रोमियर गुणसूत्र को दो भुजाओं में बांटता है, ये भुजाएं बराबर लंबाई की छोटी या बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। प्राथमिक संकीर्णन के अंदर के स्पष्ट क्षेत्र को ही सेंट्रोमीटर या काइनेटोकोर कहते हैं। मतलब ये कि इन दोनों के बीच में ये जो पार्ट है इसी को हम सेंट्रोमियर या फिर काइनेटोकोर कहेंगे, ठीक है। तो ये और ये क्या काम करता है, सेंट्रोमियर जो अपना क्रोमोसोम है उसको दो भागों में विभाजित करता है, ठीक है। ये भुजाएं बराबर भी हो सकती हैं कुछ केसेस में ये बड़ी भी हो सकती हैं। और क्रोमोमियर का जो काम है उसी से गुणसूत्रों की जो आकृति है वो चेंजेस होती है। क्रोमोमियर के आधार पे चार आकृतियां हम आगे भी पढ़ेंगे, उसके बारे में मैं डिटेल से चर्चा करूंगा। आगे बढ़ते हैं, द्वितीयक संकीर्णन या न्यूक्लिक ऑलर। अब देखिए द्वितीयक संकीर्णन मतलब जो सेकंड वाला संकीर्णन हो रहा है, जहां पर एक और गलियारा निकल रहा है, जो सेकंड वाला क्रोमोसोम खत्म होके और फिर ये एक गलियारा और निकल रहा है, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो कुछ गुणसूत्रों में प्राथमिक संकीर्णन के अतिरिक्त एक और संकीर्णन होता है, इसको हम द्वितीयक संकीर्णन कहते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है। आप ध्यान दीजिए यहां पर देखिए, एक तो ये हो गया जो प्राथमिक संकीर्णन हो गया और यहां पर ये हो गया द्वितीयक संकीर्णन सेंट्रोमियर, यहां पर प्राथमिक संकीर्णन में दोनों के बीच में पाया जाता है। तो सेकेंड वाले में गुणसूत्र का द्वितीय संकीर्णन के आगे का भाग सैटेलाइट कहलाता है, ठीक है। तो इस भाग के बाद में जो ये नया पार्ट जो बना है, ये पार्ट क्या कहलाएगा दोस्तों, सैटेलाइट पार्ट कहलाता है। और ये गोल होता है, लंबा या घुंडीदार हो सकता है। तो इस तरह से हमने पढ़ा मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है, हमने पढ़ा क्रोमोनिमेटा के बारे में, हमने दोस्तों पढ़ा क्रोमोमियर के बारे में, पेलिकिल के बारे में, सेंट्रोमियर के बारे में, प्राथमिक संकीर्णन, द्वितीयक संकीर्णन और सैटेलाइट के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डीएनए की जो संरचना है, सॉरी क्रोमोसोम की जो संरचना है उसके बारे में यहां पर अध्ययन किया। अब गुणसूत्र टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर हम आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र अपने शेप बदलते हैं, क्योंकि ये जहां पर आएगा वहां से उसका शेप जो है वो बदल जाता है। तो गुणसूत्र की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को हम चार भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला होता है मेटासेंट्रिक, सेकंड सब मेटासेंट्रिक, थर्ड एक्रोसेंट्रिक और चौथा टिलोसेंट्रिक, ठीक है। इसको हम हिंदी में कहते हैं मध्य केंद्रीय, उपमध्य केंद्रीय, अग्रबिंदु और अंतः केंद्रीय। देखिए जब दो क्रोमोसोम के बीचों बीच यहां पर अगर ये सेंट्रोमियर आता है और दोनों की जो आकार है वो समान होते हैं, तो ऐसे में ये मेटासेंट्रिक या मध्य केंद्रीय कहलाता है। अगर यहां पर जो सेंट्रोमियर है ये बीच में आता है और एक छोटा और एक बड़ा बनता है, तो ऐसे में सब मेटासेंट्रिक कहलाएगा। जब ये बिल्कुल कॉर्नर पे, मतलब कॉर्नर से पहले रहेगा, एक बहुत ज्यादा छोटा और एक बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा, तो ये एक्रोसेंट्रिक कहलाएगा। और जब ये बिल्कुल कॉर्नर पे आ जाएगा तो ये टिलोसेंट्रिक या फिर अतः केंद्रीय गुणसूत्र जो है वो कहलाता है। तो ये चार गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुणसूत्रों को जो हम प्रकार देते हैं अब जंतुओं के आधार पे हम यहां पर देंगे, तो गुण जंतुओं में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाएंगे, ठीक है। वो था आकार उनके, और अब ये गुणसूत्रों के मेन प्रकार हैं। दो तरीके के गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आकार के आधार पे तो हमने देख लिया, ठीक है। अब यहां पर हम ध्यान देंगे, तो यहां पर देखिए सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर अगर गुणसूत्रों का आकार के प्रकार पूछे जाए या गुणसूत्रों के प्रकार पूछे जाएंगे तो चार हो गए। और अगर दोस्तों पूछा जाता है जंतुओं में कितने प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो जंतुओं में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं,
जिसको एक को बोलता है ऑटोसोम्स और दूसरा होता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट होता है अपने एग्जाम की दृष्टि से, अपनी लाइफ की दृष्टि से भी। तो ऑटोसोम क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। तो ये लिंग गुणसूत्रों से अधिक संख्या में होते हैं, तो लिंग गुणसूत्र क्या हो गए कम हो गए और ऑटोसोम्स क्या हो गए ज्यादा हो गए। इनका लिंग निर्धारण से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, लिंग निर्धारण से, प्रेगनेंसी से की बात नहीं हो रही है, प्रजनन से बात नहीं हो रही है, लिंग निर्धारण मतलब लड़का होगा या लड़की होगा सिर्फ यहां पर इस बात का ध्यान देने योग्य बात होगी। और सेकंड चीज होती है सेक्स क्रोमोसोम कि ये संतति में नर अथवा स्त्री लिंग का निर्धारण करते हैं, ये एक्स और वाई गुणसूत्र कहलाते हैं। याद आया कुछ? याद आया कि जब हम टेंथ में पढ़ते थे एक्स 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 वाई, जब हम पुरानी कहानियां पढ़ते थे जिसमें बोला जाता था कि भाई लड़की पे प्रेशर होता था कि तूने फिर एक लड़की पैदा कर दी, और बाद में उसमें डॉक्टर या कोई समझदार व्यक्ति आके बोलता था कि नहीं माता, बोले अगर लड़का जो लड़की होती है लड़का होता है ये औरत पे नहीं आदमी पे डिपेंड करता है। तो आइए उस चीज को अपन देखते हैं। और उससे पहले दोस्तों अगर आप करते कर रहे हैं तैयारी स्टेनोग्राफी की या टाइपिंग की तो जरूर जुड़े आप सारस्वत स्टेनो क्लासेस के ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से। तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे आपको स्टेनो की क्लासेस जो है वो प्रोवाइडेड होती है। यहाँ पे अधिक जानकारी के लिए 9870601 पे कॉल करके आप आ सकते हैं, या फिर हमारा सेंटर है जयपुर के अंदर, जयपुर में नियर रामनगर मेट्रो स्टेशन के पास में, आप पर्सनली विजिट करके भी यहां पर आ सकते हैं। चलिए आप देखिए लिंग निर्धारण का जो प्रोसेस है वो क्या होता है। देखिए मादा के अंदर जो अपने जो गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं एक्स एक्स होते हैं, जबकि मेल के अंदर क्या होते हैं एक्स वाई होता है। क्या होता है दोस्तों? एक्स वाई होता है। तो ये है जो हमारे सेक्स जो हमने बात की थी, सॉरी सेक्स क्रोमोसोम्स की। ठीक है, तो सेक्स को एक होता है ऑटोसोम और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। तो देखिए सेक्स क्रोमोसोम में मादा के अंदर तो हमेशा पाए जाते हैं एक्स एक्स, और नर में क्या पाए जाते हैं एक्स वाई। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें तो क्या निकला अंडाशय एक्स और एक्स के, जबकि 50% तो क्या निकलते हैं एक्स और 50% ही एक्स, मतलब इनके दोनों ही जो अंडाशय अंडाणु है वो क्या है 50-50% मतलब एक्स एक्स ही है, एक ही समान युग्म है। और जबकि असमान युग्म होता है नर में 50% एक्स एंड 50% युग्मक जो है शुक्राणु का वो क्या रहता है वाई रहता है। अब जब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, अगर अंडाणु में जो शुक्राणु है अगर एक्स टू एक्स मिलते हैं तो क्या होगी लड़की होगी, सीधी बात है डबल एक्स मतलब मादा, और एक्स के साथ में अगर महिला का एक्स और पुरुष का वाई, क्या चीज महिला का एक्स और पुरुष का वाई अगर मिलता है तो क्या होगा नर या फिर लड़का होगा, मतलब एक्स वाई कंडीशन में लड़का पैदा होगा। जब महिला की एक्स पुरुष का एक्स अगर मिलता है तो फिर मादा पैदा होगी लड़की पैदा होगी, और महिला का एक्स और पुरुष का वाई अगर मिलता है तो क्या होगा लड़का पैदा होगा। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि एक्स एक्स तो महिला में पाया जाता है और एक्स वाई जो है वो नर में पाया जाता है। तो अगर एक्स के साथ में एक्स का संयोजन हुआ तो महिला पैदा होगी, और एक्स के साथ में वाई का संयोजन हुआ तो क्या पैदा होगा लड़का पैदा होगा। तो यही थ्योरी है, इस बारे में हम थोड़ा सा और डीप पढ़ते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीव एकलिंगी यूनिसेक्सुअल तथा द्विलिंगी बाइसेक्सुअल दो प्रकार के होते हैं। अब एकलिंगी और द्विलिंगी क्या कहलाती है? नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग हो, मतलब नर अलग और मादा अलग और उनके अंग जो है वो अलग अलग हो तो वो कहलाता है यूनिसेक्सुअल। और द्विलिंगी द्विलिंगी की बात करें बाइसेक्सुअल की बात करें तो नर तथा मादा दोनों जनन अगर एक ही जीव में होंगे तो वो क्या कहलाएगा बाइसेक्सुअल कहलाएगा। ठीक है, मैकलंग विल्सन और स्टीवेंस आदि वैज्ञानिकों ने लिंग निर्धारण के वास्तविक और वैज्ञानिक आधार का पता लगाया। मैकलंग ने 1902 इंपॉर्टेंट
1902 में लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद टॉमस सोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन प्रस्तुत किया। किसने? मैकलंग ने 1902 में लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद जो है वो प्रतिपादित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। मैकलंग के अनुसार सभी एकलिंगी जंतुओं का लिंग निर्धारण उनके अनेक लक्षणों के समान गुणसूत्रों पर भी गुणसूत्रों पर ही निर्भर करता है तथा इनकी वंशागति मेंडल के नियम के अनुसार ही होती है। मेंडल का नियम हमने पढ़ा था आनुवंशिकता का, तो वो आपको अगर नहीं पढ़ा है तो इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है। आप हमारी साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर आरएसएमएसएसबी स्टेनोग्राफर के जो भी साइंस का सिलेबस है वो वहां से पूरा कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने आपको वन लाइनर नोट्स हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन में दे दिए हैं, वहां से पढ़िए। साथ ही आप लोगों की सुविधा के लिए सितंबर माह के अंदर एग्जाम से पहले हम लोग आपके लंबी क्लासे क्वेश्चंस को लेके भी रखेंगे, जहां मैं उन क्वेश्चंस को आपको रटवाऊंगा भी, करंट वरेंट सब हम करेंगे, इंग्लिश की क्लासे भी आएगी, आप निश्चित रहिए। मैंने आप लोगों से वादा किया है तो पूरा जरूर करूंगा और आपका पूरा सिलेबस जो है वो हम हमारे इस चैनल पर पूरा करेंगे। चलिए, मनुष्य की प्रत्येक कायिक तथा जनन कोशिकाओं में 23 जोड़ी या 46 गुण सूत्र होते हैं। जोड़ी का मतलब पता है ना, दो जनों को एक जोड़ी कहते हैं, दो को एक जोड़ी कहते हैं, तो या तो 43 या फिर 43 × 2 = 46, तो 46 गुण सूत्र होते हैं। इनमें से 44 गुण सूत्रों के तो 22 समजात जोड़े होते हैं, ठीक है, जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। मैंने बताया था ना कि एक तो ऑटोसोम्स होता है और एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, तो 22 जोड़ी या 44 तो ऑटोसोम्स क्रोमोसोम पाए जाएंगे इंसान में, शेष एक जोड़ी गुणसूत्र को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। पुरुष तथा स्त्री में लिंग गुणसूत्रों का यह जोड़ा एक दूसरे से भिन्न होता है। अभी अभी हमने पढ़ा था ना दोस्तों, एक्स एक्स होता है फीमेल में और एक्स वाई किस में होता है, मेल में। तो ये आपकी थ्योरी जो है वो क्लियर है या नहीं है, इसके बारे में हम पहले भी रीड कर चुके हैं। आगे देखिए, पुरुष में 23वें जोड़े के दोनों गुणसूत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ध्यान दीजिए, बिल्कुल होते हैं ना, एक्स और वाई, और इसमें क्या होते हैं, एक्स एक्स पाए जा रहे हैं, इसमें एक्स वाई पाए जा रहे हैं, तो बिल्कुल 23वां जो गुणसूत्र होता है वो अलग होता है, जबकि फीमेल में समजातीय होता है, जिनमें एक छोटा तथा दूसरा बड़ा होता है। अब ध्यान दीजिए, इस प्रकार इसको हेट्रोसोम्स या एलोसोम्स होते हैं। बड़ा गुणसूत्र तो कौन हुआ, और जो पहले आता है, पहले आने वाला ही तो ए बड़ा हुआ, बी छोटा हुआ, सीधी बात। तो बड़ा कौन हुआ, एक्स, छोटा कौन हुआ, वाई। तो वाई गुणसूत्र जो होता है वो छोटा होता है और एक्स गुणसूत्र क्या होगा दोस्तों, बड़ा होगा। पुरुष की जनन कोशिका में 22 जोड़े समजात और एक्स वाई क्या होते हैं, विषमजात, मतलब 22 जोड़े ऑटोसोम्स और 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। और टोटल कितने होते हैं, या तो 23 जोड़ी या फिर 46 क्रोमोसोम जो है वो होंगे। तो स्त्री की जनन कोशिका में 22 जोड़े तो समजातीय होते हैं, 22 जोड़े क्या होंगे, ऑटोसोम्स होंगे, और एक्स एक्स भी समजात होता है, तो 46 गुण सूत्र जो फीमेल में होते हैं, 46 ही गुण सूत्र आपके मेल में होते हैं, तो लिंग जो आपके क्रोमोसोम है वो चेंज होते हैं। एक्स एक्स अगर होगा तो वो क्या होगा, फीमेल, और एक्स वाई होगा तो वो क्या होगा, मेल वर्जन होगा, ठीक है। अब बात कर लेते क्रोमोसोम से जुड़े हुए कुछ कार्यों की, तो ये आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को संचारित करते हैं, बिल्कुल हम जानते हैं इस बात को। ये जीवों में उत्परिवर्तन, विकास, विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं, सभी जीवों में कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही होते हैं, तो ये जीवों के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन करते हैं, उनमें विकास करते हैं और विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं, तभी तो एक जैसे लोग नहीं होते हैं। ये जीवों के विभिन्न जैव क्रियाओं का भी नियंत्रण करते हैं। लिंग गुण सूत्र जीवों में लिंग का निर्धारण भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं, अभी हमने पढ़ा।
गुण सूत्रों में परिवर्तन होने पर जीवों में अनेक लक्षण और अप्रवृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। गॉडजिला जैसी मूवी अगर आप देखते हैं या फिर कोई और जो इस तरह की मूवीज है जानवरों पे बेस्ड, जिसमें जानवर बहुत बड़े हो जाते हैं, तो मूवी चालू होते ही क्या आता है, उनके डीएनए में चेंजेस हो गया, उनके क्रोमोसोम्स में चेंज हो गया, और क्रोमोसोम्स में चेंज होने के कारण उनके आकार और रूप जो है वो और ज्यादा बदल जाते हैं। आगे देखते हैं, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के विभेदन के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। द्विगुणन द्वारा गुणसूत्र जीवन की निरंतरता कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बनाए रखते हैं। कोशिका वृद्धि तथा कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक प्रोटीन के संश्लेषण का नियंत्रण भी करते हैं, और इस तरीके से आपका जो क्रोमोसोम वाला पार्ट है दोस्तों वो यहां पर पूरा होता है। और साथ ही दोस्तों आरएसएमएसएस भी, स्टेनोग्राफर साइंस जो है, आरएसएमएसएस भी स्टेनोग्राफर साइंस सब्जेक्ट भी यहां पर आपका पूरा होता है। 15 अगस्त के दिन आपका साइंस का सिलेबस जो थ्योरिकल पार्ट है दोस्तों वो यहां पर पूरा फिनिश हो चुका है। अगर आप लोग नए हैं तो हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पे आपकी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक के सभी टॉपिक एज पर सिलेबस हम लोगों ने कवर किए हुए हैं। और सिलेबस की जो लड़ाई अभी नई चालू हुई है उस पे आने वाले समय पे क्या दिशा निर्देश आते हैं और किस तरीके बोर्ड काम करता है, तो उस आधार पे हमारी भी योजना तय होगी। बाकी आप निश्चित होकर हमारे साथ पढ़िए और अपने जो करियर की जो सपने आपने हमारे साथ लिए हैं उनको पूरा करने का पूरा पूरा प्रयास कीजिए। मिलते हैं अब एक नई सीरीज में, यहां पर अब हमारा जो हिंदी का जो सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके पीडीएफ हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे जल्दी आ जाएगी। बाकी मेन जो थ्योरिकल पार्ट है वो मैंने आपको हिंदी कवर करा दी है। अब आपका जो सिलेबस बच रहा है वो एक तो इंग्लिश का बच रहा है और आपके राजस्थान जीके का बच रहा है। आप उसी को पूरा फोकस करते हुए आपकी डेली क्लासेस आने वाली हैं जिसमें मैं आपको इंग्लिश और राजस्थान जीके भी पूरा कवर करवाऊंगा। जुड़े रहिए सारस्वत स्टैनो क्लासेस के साथ में और सब्सक्राइब जरूर करें। और नोट्स के लिए दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना है, पता ही होगा, टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां पर कुछ उतारना नहीं होता है, पूरा का पूरा फॉर्मेट पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, वहां से आप अपने नोट्स को जो है वो पढ़ भी सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।